अगर आपकी चीनी के डब्बे में चींटियां लग जाती हैं तो उसके अंदर 6 से 7 लौंग डाल दें, चींटियां बिल्कुल नहीं आएगी। आटा गूंथते वक्त पानी के साथ थोड़ा सा दूध इस्तेमाल कर लें, रोटियां स्वादिष्ट बनेगी। पूड़ी बनाने के लिए आटा गूंथते वक्त उसमें 1 चम्मच शक्कर मिला लें, पूड़ी बिल्कुल मुलायम उतरेंगी। भजिए पकौड़े बनाते वक्त घोल में थोड़ा सा नींबू का रस डाल लें, तेल कम सोखेंगे। इतने में इतना ही मिलेगा बस।